जहाँ तक कि फुकहा और मुहद्दिसीन और कुरा का मामला है, और आगे सवाल पूछा है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान क़ारी आसिम कूफ़ी की किरत पर तिलावत करते हैं जबकि किरत सात लफ्ज़ों पर आई है, तो ये तकलीद शख्सी करके मुशरिक होंगे या नहीं, या आदमी होगा या नहीं। देखिए, जब सवाल ही में इस बात का एतराफ़ है कि ये जो सात किरतें हैं ये अल्लाह की तरफ से आई हैं, तो सब जब अल्लाह की तरफ से है तो उनमें से किसी एक को इख्तियार करने से आदमी मुकल्लिद कैसे हुआ? अल्लाह की तरफ से आई हुई किरत अगर है, अगर एक कारी पढ़ रहा है तो वह अपने तौर पर बना के पढ़ रहा है या जैसे उस तक वो किरत नकल होती आई उसके मुताबिक पढ़ रहा है? क्या हमारा ये एतकाद है कि आसिम कूफ़ी अपने दिल से जैसा चाहे कुरान पढ़ते थे, या हम ये मानते हैं कि वैसा ही बेआइन ही कुरान पढ़ते थे जैसा उन्होंने अपने असलाफ से सुना और सनद के साथ में बराबर वो किरत चलती आई? अगर ये किरत हम मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से दी हुई किरत है, तो इसकी तिलावत करना ये तकलीद नहीं हुआ, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई कुरान की तिलावत हुई, तो इसको अगर कोई आदमी पढ़ता है तो इससे मुशरिक कैसे हो सकता है?